हेलो दोस्तों, अकाउंटिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम विद जीएसटी, और आपको जो है शुरू से लेकर मैं स्टेप बाय स्टेप टैली की सारी वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए हमने मेरे चैनल पर स्पेशल एक प्ले लिस्ट बना दी है। आप जब भी चैनल पर विजिट करेंगे आपको जो है वो प्ले लिस्ट मिल जाएगी और आप उसको स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कंपनी को क्रिएट करना, ऑल्टर करना, डिलीट करना, शट करना या फिर चेंज करना, सेलेक्ट करना, ऑल अबाउट इट। इसके बाद में हम पूरा जो है आज बात करेंगे और मैं प्रैक्टिकल आपको ये दिखाऊंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो जो हम टेल यूज़ करते हैं तो हमारी एक नहीं बल्कि दो फर्में होती है, तीन फर्में होती है, तो हमें तीन तीन कंपनियाँ क्रिएट करनी पड़ती है। अब जब हम तीन तीन कंपनी क्रिएट करते हैं तो कुछ को शॉर्टकट की नहीं पता होती, वो क्या करते हैं फिर टैली को क्लोज करते हैं, फिर दोबारा ओपन करते हैं और कंपनी सेलेक्ट करके न्यू कंपनी क्रिएट खोलते हैं। तो इसमें कुछ शॉर्टकट कीज़ है जिसके मदद से आप जो है तीनों की तीनों कंपनियां, भले आपके भले कितनी कंपनियां हो, मल्टीपल कंपनीज को आप एक साथ हैंडल कर सकते हैं और एक साथ आप जो है इसको खोल सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल हमारी एक ही कंपनियाँ देख सकते हैं ऋषभ ट्रेडर्स। तो फिलहाल मेरे पास जो मैंने एक ही कंपनी क्रिएट कर रखी है, मैं इसके अलावा दो और कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंपनी, और इसकी जो शॉर्टकट दिया हुआ है ऑल्ट के, या तो आप यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए या फिर आप ऑल्ट के साथ के प्रेस अगर करेंगे तो ये भी ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। आप ऑल्ट के साथ के प्रेस करेंगे और एक क्रिएट कंपनी करेंगे। मान लीजिए मैं एक कुछ भी नई कंपनी क्रिएट कर देता हूँ, जैसे कि राजा फैशन हाउस, और जो इसका एड्रेस है वो मैं सहारनपुर के ले लेता हूँ। जो भी डिटेल्स है आप इसकी सारी फिलअप कर दीजिए और आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आपसे पूछेगा ये जीएसटी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने एक नई कंपनी क्रिएट करी तो हाथ तो हाथ जो है इस वक्त हमारी राजन फैशन हाउस, इसमें फिलहाल कोई काम नहीं हो रखा है। इसमें लिखा है नो वाउचर्स एंटर्ड, यानी कि इसमें अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। तो अगर आप जो है अब आपको राजन फैशन हाउस वाली कंपनी खोल रखी है, क्योंकि ये वाली कंपनी आपकी ओपन है, अगर आप चाहते हैं कि अब मेरे को ऋषभ ट्रेडर्स में काम करना है, क्योंकि जो कंपनी आपको ऊपर दिखेगी, मतलब तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो कंपनी इस वक्त ओपन है वो राजन फैशन हाउस है, और ये इन दोनों में सबसे ऊपर भी दिखाई देती है। तो इसका मतलब आपकी राजन फैशन हाउस जो कंपनी है वो इस वक्त ओपन हो रखी है। अगर आप कंपनी को चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि F3 कंपनी का ऑप्शन दे रखा है, और साइड में यहाँ पर एक एरो का निशान दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, शट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, और खाली एक कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। अगर इसकी शॉर्टकट की है F3 और सेलेक्ट कंपनी की शॉर्टकट की है ऑल्ट F3, और शट कंपनी की शॉर्टकट की है कंट्रोल F3। अगर आप खाली F3 प्रेस करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, क्योंकि राजन फैशन हाउस वक्त ओपन है। अगर आप ऋषभ ट्रेडर्स पर एंटर करेंगे तो आपकी ऋषभ ट्रेडर्स जो है ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं आप, आपके ऋषभ ट्रेडर्स की जो फर्म है वो इस वक्त ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट कंपनी पर, तो और F3 भी आप प्रेस करते हैं या फिर सिंपली आप क्लिक भी कर सकते हैं, तब भी आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। मैं राजन फैशन हाउस ओपन कर देता हूँ, और राजन फैशन हाउस जो है इस वक्त ओपन हो चुकी है। अब आप चाहेंगे कि ये दोनों कंपनी मेरे को शो ना हो, मेरे पास सिर्फ एक ही कंपनी शो हो, क्योंकि आप दोनों में काम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो कंपनी को शट कर सकते हैं। शट करने के लिए आपको सही पर जाना होगा, और इसके लिए जो शॉर्टकट किया हुआ है Ctrl F3, सिंपली मैं अगर यहाँ पर Ctrl F3 प्रेस करता हूँ तो आपके पास आगे शट कंपनी का ऑप्शन आप देख सकते हैं लिखा हुआ। शट कंपनी करने के बाद जो भी कंपनी को आपको बिल्कुल बंद करना है उस पर आप एंटर प्रेस करेंगे सिंपली। मान लीजिए मेरे को जो है राजन फैशन हाउस जो कंपनी है वो मेरे को बंद करनी है, जैसे मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूँ तो वो कंपनी जो है इस वक्त वो क्लोज हो चुकी है, यहाँ तक कि आपको यहाँ पर भी शो नहीं होगी। तो इस वक्त जो मेरी कंपनी है वो ऋषभ ट्रेडर्स के नाम से है,
और सिर्फ एक ही कंपनी यहाँ पर ओपन कर रखी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जो ये ऑप्शन है ओल्ट के का, ये सारे ऑप्शन इसमें भी आपको दिख जाएंगे। सेलेक्ट कंपनी का आपको ओल्ड प्रोसेस थ्री है, शट कंपनी का कंट्रोल प्रोसेस थ्री है। आप चाहे तो यहाँ से, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी तीनों दोनों ऑप्शन से आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को दोबारा एक कंपनी जो है सेलेक्ट करनी है, अब मेरे को कंपनी सेलेक्ट करनी है तो ओल्ड प्लस एफ थ्री के साथ आप प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। एंटर करने के बाद आपके पास दोनों कंपनी आ गई। अब क्या करना है आपको, दूसरी कंपनी ओपन करनी है, ऋषभ ट्रेडर्स क्लोज करनी है और राजन फैशन हाउस की जो कंपनी है वो आपको ओपन करनी है। तो आप इसमें एंटर प्रेस कर देंगे और फिर से आप देखेंगे कि दोनों कंपनियाँ जो एक साथ ओपन हो रखी है, दोनों क्लोज नहीं हुई है। आप चाहे तो इसके माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं देखें राजन ट्रेडर्स पर क्लिक करता हूँ तो ऋषभ ट्रेडर्स ओपन हो गई, राजन फैशन हाउस पर क्लिक करता हूँ तो राजन फैशन हाउस ओपन हो गई। जैसे ही आप ओल्ड के साथ के प्रेस करेंगे, तो जैसे मैंने ओल्ड के साथ के प्रेस कर दिया तो आपको यहाँ पर दिख रहा है एक ऑप्शन ओल्टर का। ओल्टर का मतलब कुछ भी चेंज करना हो या फिर डिलीट करना हो। तो इस पर जब आप एंटर करेंगे तो आपको कंपनी सेलेक्ट करनी होगी जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे को राजन फैशन हाउस जो कंपनी है वो मेरे को डिलीट करनी है, मैं इस पर एंटर प्रेस कर दूंगा। और इसके बाद आप चाहे तो इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, अगर आपको नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, कुछ भी आपको कोई भी डिटेल्स अगर चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इस कंपनी को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली ओल्ड के साथ आपको जो है ओल्ड के साथ टी प्रेस करूँगा तो डिलीट का ऑप्शन आ गया है और आप सिंपली इसको एंटर प्रेस कर देंगे। आर यू श्योर, इसमें आपको पहले एक वार्निंग मिलेगी, आर यू श्योर डिलीट इस कंपनी, तो आप एंटर प्रेस कर देना और आपकी कंपनी डिलीट हो गई। मैं दिखाता हूँ आपको, अब मेरे पास जो है एक ही कंपनी है। अगर मैं सेलेक्ट कंपनी पर जाता हूँ, सेलेक्ट कंपनी ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक ही कंपनी यहाँ पर शो हो रही है, ये कंपनी हमें शो हो रही है, इसका मतलब एक ही कंपनी हमारे पास देखो मौजूद है। इसमें भी आपको ऊपर थोड़े बहुत ऑप्शन दिए गए हैं, सेलेक्ट रिमोट कंपनी है, स्पेसिफाइड पाथ है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव है, यानी कि पेंडल से भी आप जो है कंपनी को अपनी चला सकते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसमें जो है आपको इस तरह के कुछ भी अगर कंपनी को क्रिएट करना है, शट करना है, सेलेक्ट करना है, सारी शॉर्टकट्स की मैंने आपको बता दिया है। कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। स्टेप बाय स्टेप पहले सीखने के लिए आपके लिए डेली शाम को 7 बजे वीडियो प्रोवाइड हो जाती है। तो जो भी फ्रेंड्स आपके वीडियो पहले सीखना चाहते हैं उनको तो डेफिनेटली शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।